वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल बाटी। ये राजस्थान में बनाई जाती है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल में 3 कप गेहूं का आटा ले लेंगे। इसमें हम डालेंगे अजवाइन, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 3 टेबलस्पून देसी घी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे सूजी और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। इससे बाटी बहुत अच्छे से बनेगी। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और डो बना लेंगे। आटा ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। इसे हम 15 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट्स हो चुके हैं, आटा अच्छे से सेट हो गया है और हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाना शुरू करेंगे। आप इसके बॉल्स किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। बॉल्स बन के रेडी हो गए हैं। अब इसे ओवन में हम 20 मिनट्स के लिए रख देंगे, बट इसे थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहेंगे ताकि ये जले ना। 20 मिनट्स के बाद बाटी को बाहर निकाल लिया है, ये बन के रेडी हो गई है। अगर बाटी फट गई है मीन्स बाटी अच्छे से बनी है, क्योंकि बाटी बनते टाइम ये फटती ही है। और लास्ट में अभी हम बाटी को घी में फ्राई कर लेंगे हल्का सा। इसे घी में डालने से पहले थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि बाटी घी को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। इसके बाद अभी हम दाल बनाना शुरू करते हैं। मैं बाटी के साथ पंचमेल दाल बना रही हूँ। पंचमेल दाल 5 दालों को मिक्स करके बनती है। इसमें मैंने डाला है अरहर दाल, मसूर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल और चने की। सबसे पहले दाल को अच्छे से धो के इसमें 3 सीटी लगा लें। दाल तड़के में सबसे पहले ऑयल में डाला जीरा, हींग और सूखी लाल मिर्च। फिर इसमें प्याज डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें डाली हरी मिर्ची और लहसुन अदरक का पेस्ट। जब प्याज अच्छे से भुन जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर, फिर इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी और हम ऐड करेंगे धनिया, जीरा और गरम मसाला। जब मसाले अच्छे से पक जाएं तो इसमें हम डाल देंगे दाल और दाल को भी अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे। दाल में मैंने अभी तक नमक नहीं डाला था, अभी मैं ऐड करूंगी इसमें नमक और लास्ट में हरा धनिया। और हमारी दाल बाटी बनके रेडी हो गई है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।